अजमेर के सभी वासियों से मेरा यह अपील है कि अभी जो वर्तमान समय में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। ये कोरोना वायरस की स्थिति बनी हुई है और भीलवाड़ा में जैसे कि हादसे हो चुके हैं, वहाँ कर्फ्यू की स्थिति बनी है और पूरे राजस्थान में करीब 40 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं पॉजिटिव, और पूरे भारत में लॉकडाउन हो गया है। तो इस स्थिति को देखते हुए मेरी सभी से अपील है कि जब तक ज़रूरी नहीं हो घर से बाहर नहीं निकले। प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा जो व्यवस्थाएं की हैं उनकी गई है, उनकी पालना करें। फल, दूध, सब्जी और खाद्य सामग्री की जो है वो सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। इनसे संबंधित जो भी विक्रेता हैं, जो भी शॉप्स हैं, उनको खुले रखने के आदेश दिए गए हैं। आप अपने घरों से जब कोई आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें, और ये भी आपसे अपील है कि एक ही व्यक्ति घर से बाहर निकले, पैदल ही निकले, ज़्यादा भीड़ नहीं हो, और दुकानों में भी एक एक मीटर की दूरी पे खड़े रहें। और इसके साथ साथ हम एक दो दिन के अंदर ही, कल से ही करीब 25 ऐसे मोबाइल दुकान हैं, मोबाइल शॉप्स हैं, जो 60 वार्ड अपने अजमेर शहर में हैं, उनमें घरों पे जाकर के मोबाइल दुकानों के द्वारा, मोबाइल वैन्स के द्वारा सप्लाई करेंगे। और मेरी यही आपसे विनती है कि जब तक अपने ज़िले में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है तभी तक हम लोग को, जितना भी ज़्यादा हम लॉकडाउन को हम पालना करें उतना अच्छा है, और अगर एक भी पॉजिटिव हो गया तो कर्फ्यू की स्थिति आ जाएगी। तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि घरों में रहें, लॉकडाउन की पालना करें और स्टे इन होम एंड बी सेफ। मैं अजमेर के सभी हमारे साथियों से, अजमेर निवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इस गंभीर बीमारी की समस्या को समझें। अभी भी मेरा अनुभव ये कहता है कि जितना देर हम फील्ड में राउंड करते हैं, हमें बहुत से ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके पास कोई ठोस वजह नहीं है, फिर भी वो किसी न किसी बहाने से घरों से निकलना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने वाहनों से घूमने की इच्छा रखते हैं। ये दिखाता है कि हम इस गंभीर बीमारी को ना समझना चाहते हैं, ना हमें अपनी चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है, ना ही अपने आसपास के लोगों की चिंता है। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पुलिस ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बहुत सख्ती की हुई है। मैं सख्ती को लगातार जारी रखने वाला हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति की लापरवाही पूरे शहर को खतरे में डाल सकती है, पूरे देश को खतरे में डाल सकती है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप ध्यान रखें, आपकी लापरवाही स्वयं आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही घातक है। ये उतनी सामान्य समस्या नहीं जैसा कि कई लोग समझ रहे हैं, कई लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, कई लोगों को लगता है कि ये समस्या हमारे देश में या हमारे परिवार में या फिर हमारे आसपास कहीं नहीं आने वाली। जिस तरह से ये पूरी दुनिया में फैली है, जिस तरह से ये बहुत सारे विकसित देशों में फैली, और कोई भी विकसित देश जो कि मेडिकल की दुनिया में बहुत आगे हैं, वो भी इस बीमारी का समाधान नहीं ढूंढ पाए, इससे पता चलता है कि इस बीमारी से बच करके रहना, इससे दूर रहना ही एकमात्र समाधान है। देश में और सबसे पहले राजस्थान में और अब देश में जो लॉकडाउन लगाया गया है वो एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसकी पालना करना ही एकमात्र विकल्प है। अगर हम इसकी पालना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, जिसमें कि आम जन का घर से निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाता है और कहीं आवश्यकता की वस्तुओं के लिए भी जाना संभव नहीं रह जाता है। वो एक बहुत ही ज़्यादा कठिन समस्या उत्पन्न करने वाली सिचुएशन होती है। हम नहीं चाहते कि कर्फ्यू लगे अजमेर ज़िले में, और ये कर्फ्यू तब तक ही नहीं लगा जब तक कि हमारे यहाँ पर कोई केस डिटेक्ट नहीं हो रहा है। आप सभी हमें, पूरे अजमेर को सेफ रखने में हमारी मदद करें, इस लॉकडाउन की पूरी तरह पालना करें। आपके आसपास यदि कोई ऐसे लोग हों जो इसकी गंभीरता को नहीं समझते हों, उनसे संपर्क करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। हर व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग करने की ज़रूरत है, तभी हम इस लॉकडाउन को सफलतापूर्वक चला पाएंगे। मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आपको कोई मेडिकल नीड है, यदि आपको वास्तव में कोई समस्या है, आप संपर्क करें हमसे। 100 नंबर पर आप डायल करके बता सकते हैं। आपको आवश्यकता के अनुसार जो भी मदद है वो उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन अनावश्यक रूप से निकलने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाएं। हम सभी को घरों पर रहने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रह करके अपना काम कर पाएं। आपकी लापरवाही फील्ड में काम करने वाले नगर निगम के कर्मचारी, डॉक्टर्स, पुलिस, इन सभी को खतरे में डाल रहे हैं। कृपया घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और पूरे अजमेर को, पूरे राजस्थान को, इस पूरे देश को इस बीमारी से लड़ने में और इसे भगाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय
हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।